ये सब कब तक चले सिरसा जी? सिरसा जी लगातार जरा है विरोध किया जा पा रहा है जरा है विरोध किया जा रहा लगातार अब देखा जाए पर मनजीत राय ने जरा है किसान आगू जिन्होंने आवाज भेजा हरमीत कादियां भी आए कि जरा इस तरह जरा है चंगा नहीं लगता ये तो बिना सारे ने कहा कि लगातार असं जरा है मुर्दाबाद नहीं कहना इतों बलजीत अगे आए फिर जोड़े है सारे सारे आप आवाज भेजे क्यों ही आप हम इस तीनों चैनल के घोर फैसला करते हैं तो मुर्दाबाद में गलत न्यूज दिखाते हैं तो उनके मुर्दाबाद की नारे लगाएंगे और उनको कोई फूल माला थोड़ी चढ़ाएंगे। हाँ जी अच्छा कुछ तो दिखाए मतलब फिर तो हमारी गलत प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं लोगों को गलत दिखा रहे हैं लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं हम किसानों को। देखिए अभी किसान आंदोलन कितने समय से चल रहे शांति में प्रदर्शन चल रहे कितने महीनों से आज तक किसी भी किसान ने कोई हिंसा नहीं की बट अगर कोई ऐसे चैनल वाले आएंगे तो हम उनका बहिष्कार करेंगे और क्या करेंगे। उन्होंने क्या कहा लगातार ये सरकार के चैनल है ये बिके हुए चैनल है ये दल्ले चैनल है इस वक्त जगह जी न्यूज का जरा विरोध किया पर जरा लगातार किसान आगुआ द्वारा जरा वापस भेजा गया सारे नु जरा इस तरह चंगा नहीं लगता। अभी बात क्या हुई थी बात ये अभी मजदूर है ना जो ये चैनल वाला है जी न्यूज वाला ये शायद वो एंकर वैंकर है ये एक बार कोई छोटी मोटी घटना थी गाजीपुर बॉर्डर की उस टाइम पे अंत तक वो खालिस्तानी पाकिस्तानी क्या पता क्या क्या बोल रहे थे उस टाइम पे इसलिए हम इसका विरोध करते हैं आज से नहीं शुरू दिन से ही। अगर जी हम आतंकवादी है खालिस्तानी है तो हमने बम क्यों नहीं फोड़ा जो यहाँ भी बैठे तरीके से और हमें तो मुझे तो ये लगता है कि हमें लेके यही आए हैं पुलिस साथ में पुलिस आगे पीछे पुलिस यहाँ उधर बैरिगेट लगा दी उधर बैरिगेट लगा दी हमें तो यहाँ जाना था यहाँ गंगा में बोल के गंदे नाले में कुदा दिए यहाँ तो हमें आना ही था जिस जगह हम बैठे हैं बॉर्डर से यहाँ बेहतर है या बॉर्डर भी ठीक था यहाँ से तो बॉर्डर ही ठीक था और मुझे जेल की तरह आपको जेल की तरह इधर से बंद कर दिए उधर से बंद कर दिए बताओ नजर बंद कर दिया हम तो गंगाएं तो जाए कहाँ जी न्यूज वाले आए थे तो उनपे अपनी बात रखते थे जो न्यूज वाले हमारे सुनते ही नहीं हम तो वो बातें बोलते हैं ना जो उनका गढ़ती है जो सच्चाई है।